लग रहा है लाइटिंग देने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आपको? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त लगा यहाँ का नज़ारा। काफी जबरदस्त नज़ारा है यहाँ का, जो कि देखने लायक है। और हेलो एवरीवन, सो फाइनली हम आ चुके हैं भदोही महोत्सव, और ये पड़ता है होटल मैकदूत के सामने, जो कि ये लोकेशन है। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सामने जो स्टेशन रोड है, इसी के सामने जलालपुर यहाँ पे है। एंड चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं और हमारे साथ अमन भाई हैं। अमन भाई, यस हाय बोल दीजिए। देख सकते हैं हम लोग इंटर कर चुके हैं। एंड चलते हैं यहाँ पे टिकट लेते हैं। एंड टिकट का प्राइस जो है यहाँ पे 20 रुपया है। चलते हैं हम लोग टिकट लेते हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पीछे, ये बाइक पार्किंग है, 20 रुपया इसका भी लेते हैं। हम लोग को नहीं पता था लेकिन 20 रुपया इसका भी लेते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। एंड सामने अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके का दिखेगा। एंड मेरे साथ विनय माइकल जी भी हैं। यस कुछ बोलना चाहेंगे? यस तो सब यहाँ पे आए हैं। आई होप आप सब, आपके सब्सक्राइबर जो हैं, व्यूवर जो हैं, वो बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारे चैनल को जो है कि फॉलो करिए और खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए कुछ दिन। यस देखिए हमारे साथ एक और भी लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं, और एंड हमारे साथ कैमरामैन भी हैं। देखिए अभी आइए साथ में आइए। एंड पीछे अमन हैं। तो यस विनय माइकल जी का भी एक यूट्यूब चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उनको सब्सक्राइब करिए एंड इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, काफ़ी अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले टिकट यहाँ पर लेते हैं। टिकट का जो प्राइस, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 20 रुपया है, तो चलिए मैंने टिकट पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंटर करते हैं यहाँ से। ये टिकट घर है, यहाँ पे टिकट मिलता है, तो चलिए ले लेते हैं टिकट। चलिए टिकट ले लेते हैं। सो हम लोग टिकट ले लिए हैं, ये है इसका टिकट। तो चलिए अगर लोग टिकट ले लीजिए पहले। टिकट ले लिए हैं। सो ये है अंदर का लुक, अंदर हम लोग यहाँ पे हिल चुके हैं। यहाँ पे स्पेशल फायर पायन का, एंड ये दुबई का सीन, और ये है बुर्ज खलीफा, जो कि बुर्ज खलीफा काफ़ी शानदार। एंड यहाँ पे ताज, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा अच्छा। एंड देखेंगे ये पेरिस का जो टावर। एंड अभी जो है जब अंधेरा होगा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे करके लाइटिंग आ रही है, अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे अच्छा होने लगेगा। अभी जैसे ही देख सकते हैं ये शाम हुआ है, जैसे ही ये रात होना शुरू होगा तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाएगा, एंड आपको अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलते हैं आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या है। सो ये देख सकते हैं काफ़ी शानदार। एंड यस अमन, कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे हमारे गणेश जी, यस काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे है। एंड चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको भूख लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको छोला भटूरा एंड और भी बर्गर, बहुत सारी चीज़ है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो झूला, ज़बरदस्त झूला लगा हुआ है। एंड यहाँ पे बड़ा वाला झूला है, अगर आपको झूलना है तो ये बड़ा वाला झूला भी यहाँ पर झूल सकते हैं। और यहाँ पर ये बुकिंग है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो भी झूल रहे हैं सबको मज़ा आ रहा है। इनसे यहाँ पे मनोरंजन ही मनोरंजन, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे भी झूला लगा हुआ है। यस अमन भाई कैसा लग रहा है? विनय भाई कैसा लग रहा है? यहाँ पे जिसको गोली मारना है, गोली का निशाना लगाना है, वो लगा सकते हैं। ये ट्रेन है जो कि अभी चालू नहीं है। और यहाँ पे अलग बच्चों के लिए स्पेशली। एंड यहाँ पे देखेंगे तो भेलपूरी लगा हुआ है, मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे अच्छा खासा इंजॉय ले सकते हैं, सुकून ले सकते हैं।
बहुत सारे लोग का ड्रीम होता है, जैसा कि मेरा भी ड्रीम था कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, दुबई, पेरिस और मलेशिया जाऊँ घूमने के लिए। बट ये कहीं ना कहीं ड्रीम जो होता है ड्रीम ही रहता है, एंड कुछ लोग का पूरा होता है, कुछ लोग का बाकी रह जाता है। बट आपके भदोही में, यस, अपने भदोही में ही ये ड्रीम आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम लोग वहाँ पे विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे भी आप विजिट कर करके वो ऐसा फीलिंग आप ले सकते हैं। तो यस, बात करूँ तो भदोही में आपको देखने को मिलेगा, भदोही स्टेशन पे आपको होटल मैकदूत के जस्ट सामने ही आपको दिखेगा ये नज़ारा। एंड ये जो नज़ारा आपको दिखने को मिल रहा है ये भदोही महोत्सव इन दुबई सिटी जो कि ऑर्गेनाइज की है, जो कि प्रयागराज से है। एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंट है और काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और अगर आप आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 बजे 7 बजे आइए, ताकि आपको लाइटिंग का एक अच्छा आनंद मिले। और ये जो टाइमिंग है 4 बजे से स्टार्ट होता है, 4 बजे से लेकर के आप 9-10 बजे तक भी यहाँ पे रह सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया टिकट का, तो आप यहाँ पर करके यहाँ पे इंजॉयमेंट ले सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इंजॉयमेंट ले रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं नाइट हो चुका है, एंड अब का जो लुक देखेंगे काफ़ी शानदार लुक है। एंड आप यहां पे देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त अब नज़ारे देख रहे हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड हमारे विनय माइकल जो कि यहां पे इनका शूटिंग चल रहा है और अभी भी ये शूटिंग कर रहे हैं। एंड हम आगे लेके चलते हैं, आगे अगर आप नज़ारे देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त यहां पे नज़ारे हैं। एंड यहां पे आप देखेंगे तो बड़ा सा झूला जो लगा हुआ है, देख सकते हैं यहां की भी लाइटिंग चालू हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा शानदार नज़ारा लग रहा है। एंड आप देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सामने, तो सामने भी काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी शानदार नज़ारा लग रहा है। एंड यहाँ पे खाने पीने के लिए भी व्यवस्था पानी है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है। यस, तो काफ़ी औसम लग रहा है, लाइटिंग जलने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारे यहाँ के, और यहाँ पे देख सकते हैं गर्ल्स लुक काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे गर्ल्स लुक। एंड यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड तो यस, ये लगा हुआ है बड़ा सा झूला जहाँ पे आप झूल सकते हैं। एंड यहाँ पे साइड में लगा हुआ है डोंगा वाला, जहाँ पे आप यहाँ पे बोट वाला है, यहाँ पे भी आप इसको झूल सकते हैं। इसका टिकट का प्राइस जो है सबका यहाँ पे 50 रुपया है। एंड यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए है, छोटा बच्चा अगर कोई है तो उसको आप यहाँ पे झूला सकते हैं। एंड सामने आप देखेंगे तो और आगे चलते हैं तो और आगे यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें लगेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे चलते हैं तो आगे आपके नज़ारे, तो आगे आप देखेंगे तो आगे आपको और अलग अलग नज़ारे देखेंगे। सो आगे यहाँ बच्चों के कूदने के लिए भी व्यवस्था पानी यहाँ पे किया गया है। एंड चिल्ड्रेन का पार्क है, और जो पार्क में घूमना चाहता है उसके लिए है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारे। लोगों ने यहाँ पे देखा, इंजॉयमेंट किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो हमारे साथ विनय माइकल भी है। यस, कैसा लगा आपको ये यहाँ का नज़ारा देख करके, मेला देख कर कैसा लगा आपको? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त जी जी। तो और भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यस हमारे साथ एक और भी लोग जुड़ चुके हैं। यस, कैसा लगा यहाँ का नज़ारा? काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ का, जो कि देखने लायक है। और अभी कम भीड़ है। अच्छा, अभी कम भीड़ है? यस, अभी कम भीड़ है। अभी ये वीडियो डालने के बाद लोगों को पता चलेगा, फिर लोग यहाँ पे आना शुरू करेंगे।
तो जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे नज़ारे हैं। कुछ लोग और भी हैं जो हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे पेज पर पहली बार आए हैं, तो हमारे पेज को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लाइव सेशन में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।